हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों की टीचर साधना यादव, के वी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय छः। टॉपिक का नाम है असली गधा। आज का टॉपिक है असली गधा, मतलब असली गधा कौन है। गधा तो एक जानवर होता है, लेकिन इंसान को भी, जो इंसान बेवकूफ़ी करता है, जो इंसान समझदारी से काम नहीं करता है, समझदारी से बातें नहीं करता है, उसको भी हम लोग गधे कहते हैं। तो वही इसमें है कि असली गधा कौन है। देखिए इसमें होता क्या है, एक सेठ रहता है जो बाजार जाता है और वहां से एक गधा खरीदता है। खरीद कर उसे अपने साथ लेकर वापस आता है। जब उस गधे को लेकर वह वापस आता है, तो उसे रास्ते में आते आते थक जाता है। थक जाने के बाद वो सोचता है कि थोड़ा आराम कर ले, तो उसे आता है तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे छांव रहती है। तो उस पेड़ के नीचे सोचता है, यही हम थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि वो थक जाता है। तो जब थक जाता है तो सोचता है आराम कर ले। वहां पर वो क्या करता है, बैठ जाता है और गधा जो रहता है उसकी रस्सी अपने पाँव में बांध लेता है और सो जाता है। तब तक क्या होता है, उसे जब वो बाजार में गधा खरीदता है तो वहां पे दो ठग रहते हैं। ठग वो होते हैं जो किसी का सामान छीन लेते हैं, कोई लूटपाट करते हैं, कोई जाता रहता है तो उसे मारकर उसका सारा सामान ले लेते हैं, किसी को बेवकूफ बनाकर सामान ले लेते हैं। तो ठग वैसे ही होते हैं। तो वो ठग उस सेठ को गधा खरीदते देखते हैं और उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। उसके बाद जब पीछे पीछे आते हैं तो सेठ आराम करता होता है, तो ठग देखते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, देखने के बाद सोचते हैं सब कि अब उस गधे को कैसे हम लोग लें, ये सोचने लगते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, वो गधे को क्या करते हैं, उसके गले में से उसका जो फंदा होता है वो छुड़ा कर गधे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो दो ठग रहते हैं, तो उसमें से एक ठग गधे को लेकर चला जाता है और एक वहीं पे रस्सी से अपना हाथ बांधकर वहीं पे बैठ जाता है। तो उसके बाद से जब सेठ की नींद खुलती है और वो जब देखता है कि मेरे गधे के जगह कोई इंसान बैठा है, तो वो हैरान हो जाता है और उस ठग से पूछता है कि मेरा गधा कहाँ गया। तो ठग बहुत चलाक रहता है, वो क्या करता है कि मैं ही आपका गधा हूँ। तो जो सेठ रहता है वो परेशान हो जाता है कि ये तो गधा है, तो ये कहाँ से, मैं तो गधा खरीदा था, ये इंसान है। तो वो पूछता है, नहीं मेरा गधा कहाँ है बताओ। तो वो कहता है कि मैं ही आपका गधा हूँ, क्योंकि क्या हुआ था, मेरी माँ जो थी वो मुझे, मैं अपनी माँ की बातें नहीं सुनता था, तो मेरी माँ ने मुझे श्राप दे दिया था कि तुम गधा बन जाओ। तो ये कहता है, मेरी माँ जब मुझे श्राप दे देती है कि तुम गधा बन जाओ, और जब तुम्हें कोई दयालु सेठ खरीदेगा, खरीद कर अपने साथ ले जाएगा, तब तुम इंसान बन जाओगे। तो ये जो सेठ रहता है बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि इसे दयालु कह देता है, इसकी थोड़ी तारीफें कर देता है, तो ये बहुत ही खुश हो जाता है और ये समझ नहीं पाता है। तो वो कहता है, सेठ कहता है अच्छा ठीक है भाई, तुमको तुम्हारी माँ ने श्राप दिया था, तो तुम अब अपनी माँ की बातें मानना, और जो तुम्हारी माँ कहेगी अपनी माँ की सारी बातें मानना, मैं जाता हूँ और तुम अपने माँ के पास जाओ,
सेठ ये कह के अपने घर चला जाता है और जो ठग रहते हैं वो गधे को लेकर चले जाते हैं। फिर जाने के बाद फिर अगले दिन बाजार लगती है, जो ठग रहते हैं उसे गधे को बेचने के लिए बाजार लेके जाते हैं और उसके बाद से सेठ भी बाजार जाता है। जब सेठ बाजार जाता है तो देखता है गधे को, जब गधे को देखता है तो कहता है कि ये तो वही गधा है। तो गधे के पास जाके कहता है कि तूने फिर से अपनी माँ की बात नहीं मानी तो बना रह तू गधा, मैं तुम्हें खरीदूंगा भी नहीं। कहता ये सोचता है कि ये तो वही गधा है, तो लग रहा है इसकी माँ फिर से इसको गाली दे दी, श्राप दे दी। अब ये सोचता है कि अब ये ऐसे ही बना रहे गधा, अब इसे मैं खरीदूंगा भी नहीं। तब तक क्या होता है, जो सेठ रहता है उस ठग को देखता है जो वहाँ पे उसे मिला था। तो ठग को बहुत गुस्सा आता, सेठ को बहुत गुस्सा आता है। तो वो ठग से पूछता है कि तुम तो वही हो ना, कि तुमने फिर हमसे झूठ क्यों बोला। तो वो ठग बहुत चालाक रहता है, वो फिर क्या करता है, फिर से सेठ की तारीफें करके और झूठी बातें बता देता है। कहता है ये तो मेरा भाई है। कहता है ये गधा जो है, ठग कहता है ये जो गधा है ये तो मेरा भाई है, ये मेरा भाई है और मेरी माँ ने इसे भी श्राप दे दिया, ये भी माँ की बातें नहीं मानता था और इसे माँ ने श्राप फिर से इसे भी दे दिया। तो ठग कहता है अच्छा, तो कहता है कि अब इसे भी आप खरीद लीजिए। उसके बाद से ठग कहता है इसे आप खरीद लीजिए। तो सेठ कहता है ठीक है। उसके बाद से सेठ क्या करता है, उस गधे को फिर से खरीद लेता है और खरीद के लेकर घर चलाता है। और क्या होता है, जो ठग था उसे गधा भी मिल जा, गधा भी उसका चुरा लाता है और उसे उसी ठग से पैसे भी ले लेता है। और ये गधा ये सेठ जो रहता अपना गधा लेकर अपने घर आ जाता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम अगर हमारी कोई थोड़ी सी तारीफें कर दे या झूठी बातें बताकर, मनगढ़ंत कहानियां बताकर कोई हमें बताता है तो हमें तुरंत उसकी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पहले जानना चाहिए, सोचना चाहिए, उस बात को अच्छे से समझना चाहिए, सोचना चाहिए और उसकी पूरी जानकारी करनी चाहिए, उसके बाद से हमें किसी पे विश्वास करना चाहिए। तो सेठ तो असल में वो गधा जानवर गधा नहीं था, इसमें असल में गधा कौन था, सेठ था। क्योंकि गधा तो वही बना ना, वो ठग उन लोगों को गधा बना दिए क्योंकि वो उसके पास इतनी तो समझ होनी चाहिए कि किसी के श्राप देने से कोई गधा कैसे बन सकता है और फिर कैसे किसी के खरीदने से कोई ठीक हो सकता है, वापस से इंसान बन, गधा से वापस इंसान बन जाएगा। तो उसे इस बात की जानकारी रखनी चाहिए और उसे इस बात को समझना भी चाहिए था, लेकिन सेठ समझता नहीं है, इसलिए असल में गधा सेठ था और वो सेठ कंजूस भी था, लेकिन उस कंजूस के साथ भी वो गधा भी था। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कोई भी चीज, किसी भी चीज की जानकारी या किस कोई भी बात हो, हमें हर बात की जानकारी पूरे अच्छे से रखनी चाहिए और अच्छे से सोचना समझना चाहिए कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं, किसके विश्वास कर रहे हैं, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम गलत है। हर छोटी बड़ी चीज़ को लेकर हमें इस बात की जानकारी रखनी चाहिए और हमें ऐसे ही किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।